अरे हाँ हाँ नहीं कुछ नहीं आया। मेरा अनुपमा निकला जा रहा है, ये क्या काम के क्या है तेरे पापा? जरा सी छतरी तो इनसे सेट होनी ही है। अरे तो आप रिमोट कटो। आ गया क्या? अरे और बताओ आजकल आप दिखा रहे साला, मौका भी आया गया गया गया, तू तो जाके भी कहना सका सका सका, मैं ना जानू तूने क्या किया किया किया। तो आ गए फिर से। तो मैं बड़ा हुआ हूँ जॉइंट फैमिली में, मतलब धर्मशाला में। तुम लोग यहाँ पे शांति से सो रहे हो, प्यारे प्यारे सपने चल रहे हैं। होठ रसीले तेरे, होठ रसीले, होठ रसीले। और कोई भी आके तुम्हारे मुंह पे चढ़ जाएगा और रुकेगा भी नहीं, निकल जाएगा सीधा। अब इतनी भीड़ में तुम कहाँ ढूंढोगे उस आदमी को? और यहाँ पे कभी तुमको वॉशरूम खाली मिलेगा ही नहीं, 2400 घंटे कोई न कोई बैठा हुआ है वहाँ पे। अगर तुम्हारा प्रेशर बन रहा है तो तुम एक ही चीज कर सकते हो, जल्दी। और तुमको हर 5 मिनट में जाके ये हरकत करना है, जल्दी जाओ ऊपर वाले में चल जा। हाँ, हमारी धर्मशाला में ऊपर छत पे भी एक वॉशरूम था, ऊपर मेरी रास्ते में निकल जाएगी ऊपर जाते जाते। बस एक कदम और, ये खुद का नहीं यार। क्या हुआ? रुक जा, निकल रही। तो वहाँ पे जाके भी मैं, जल्दी। फिर आधे घंटे तक वहाँ पे बैठने के बाद मेरी मम्मी सिर पे साफा बांध के बाहर आती है। चल आजा पहले चाय नाश्ता कर ले, ठंडा हो जाए। मम्मी को बहुत देर। और यहाँ पे जब भी नाश्ता बटता है ना, जल्दी आ जाओ, सब नाश्ता खत्म होने वाला है। और नाश्ते में बनाया क्या है? रोटी के पोहे। ये खाने के लिए मैं कुत्ते साथ बक बक के आया हूँ, लेकिन नाश्ता करने से पहले 2 घंटे तक मेरे को मजदूरी दिहाड़ी करनी पड़ती थी। टूट जा। हाँ, 2 घंटे तक बैठ के वो बोनवीटा का डल्ला तोड़ना पड़ता था मेरे को, क्योंकि किसी ढीठ औलाद ने कल गीली चम्मच रख दी थी उसके डब्बे में। पर मैंने तो सिर्फ एक बार चाट। फिर मजदूरी दिहाड़ी करने के बाद तुमको नाश्ता नसीब होता है, जिसमें से भी तुमको मिर्ची अलग अलग करनी पड़ती है। और खाते खाते में कोई एक चमत्कारी चीज दिखती है, बाथरूम, वो भी की खाली, मिरेकल। फिर तुम नहाने का प्लान बनाते हो, क्योंकि ये मौका बार बार नहीं मिलता है। वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी थी मेरे लिए ये। थैंक यू भगवान, ने कुछ आगे बढ़ाने के लिए ऐसे ही मेरे को थोड़े थोड़े टाइम में बाथरूम खाली देते है ना, थैंक यू सो मच। लेकिन मैंने आके धर्मशाला में ढूंढ लिया, मेरे को मेरी चड्डी नहीं मिल रही है। मम्मा 2 घंटे हो गए मेरे को ढूंढते ढूंढते, मेरी चड्डी नहीं मिल रही है। अरे यार आप देख लो, मेरे को नहीं मिल रही। ये क्या है? सामने तो पड़ी हुई है। ये जादू अभी वाली तो नहीं निकाल दी? नहीं नहीं। हाँ, मेरी मम्मी को कुछ जादू वादू आता है पता है, ये कोलगेट का जीव ले लेते थे। मम्मा नया कोलगेट लाना पड़ेगा, ये तो खत्म हो गया है पूरा। अभी कैसे खत्म हो गया? अभी तो ये चलेगा साल भर और। ये ले। फिर से कैसे करा आपने ये? हाँ, मेरे घर वाले बहुत अजीब है। एक बार मैं बीमार पड़ गया तो आके कहते नजर लग गई बेचारे छोरे को। और ये सुन के मैं खुश हो रहा हूँ कि अरे वाह, नजरे लग रही है लौंडे को। और हमारे स्कूल वाले वो तो और भी गए बीते थे। सर हमारी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही और बहुत चक्कर चक्कर आ रहे है, उल्टी जैसा भी लग रहा है। वाह बेटा वाह, क्या एक्टिंग करते हो, वाह। कोई चक्कर वक्कर नहीं आ रहे, चलो यहाँ से वहाँ तक दौड़ लगाओ। वो बच्चा अधमरी हालत में पूरी क्लास में दौड़ रहा है। और हाँ, हम सब लोग हैं यहाँ पे, अगर गिरोगे तो। और हाँ बेटा, ये फालतू के नाटक करने से कहीं नहीं होगा, चलो उठो और बाम लगा के आओ। दौड़ के जाओ, दौड़ लगा। हाँ, स्कूल वालों के पास हर बीमारी का एक ही सॉल्यूशन है, बाम लगा लो। तुम्हारा सिर दुख रहा है, पेट दुख रहा है, मुंह दुख रहा है, कुछ भी दुख रहा है, बाम लगा लो। और भाई साहब, ये बाम क्या बुरी गत की भासती है, इसका कॉम्पिटिशन सिर्फ मेरी मम्मी दे सकती है। मेरी मम्मी को जादू वादू करके कुछ तो मलई से घी बनाना आता है, और उस प्रोसेस को लगते 500 घंटे। वो इतनी दर्दनाक प्रोसेस है ना, उसके बाद से हमारी गली के कुत्ते हाथ जोड़ के रात रात भर रोते थे। फिर वो बात सुन के मेरे दिमाग के चक्षु खुल गए और मैं दिन दिन भर बैठ के सोचने लग गया कि आखिर नजर लगी तो लगी किसकी। पिछले हफ्ते किधर गए तो थे? चलो लग गए सारे ताले। हाँ, मेरे घर वाले किधर जा रहे तो 50 ताले मार के जा रहे हैं। अब तो हवा भी अंदर नहीं घुस पाएगी। और इतनी हाईटेक सिक्योरिटी के बाद चाबी किधर रख रहे?
जूते में, और कभी कोई गलती से चोरी करने आ गया तो। ए बंटी चाबी मिल। क्या यार, अब इसके चक्कर में ऑटो रिक्शा करके जाना पड़ेगा मेरे को। ओ रिक्शा, ओ चल आगे दुक्कर तक ले ले फटाफट, मैं तो कोई नहीं छोड़ रहा वहां तक। चलो उतरो 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 उतरो। हाँ यार, नहीं तो मैं ज्यादा बोल रहा था, क्यों है ना। और ये चोरी चकारी वाले काम हमारी क्लास में बहुत होते थे। ये देख, मैं बोला ही था मेरी पेंसिल बड़ी है, साफ दिख रहा। हाँ सब पाजूट वो क्या है ना, मैंने ऊपर से चबाई खप खप करके, नहीं तो हकीकत में तो मेरी बड़ी है। फिर इस घिनौनी शक्ल वाले बच्चे की नजरें मेरी पेंसिल पे ही होती है। और मैं जैसे ही वॉशरूम से वापस क्लास में जाता हूँ, खाया मैं पेंसिल किधर गई, तू मैं पेंसिल खा दी इतने पूरी। खोल खोल मुँह, पूरी गीली हो गई मेरी पेंसिल। मैं और चोड़। तो ऐसी घातक चोरी चकारी के कारण मेरी मम्मी ने मेरे को पेंसिल आधी काट काट के देना चालू कर दिया। ये ले आधी। और रही बात रबड़ की, हाँ कोई वाला, उसकी तो देखो जरूरत ही नहीं, अपन थूक से मिटा रो ना। अरे बात चल, ले ले रे आधा। और ये बात मैं प्राउडली बोल सकता हूँ कि हाँ है मेरे घर वाले कंजूस। एक बार मैं इनको मैगी बनाने का बोला तो 2 घंटे लगा के ये बना के लाए। पिछली गली में मैगी खाने की वजह से 50 बच्चों की मौत हो गई है, जबकि उस गली में रहते ही 2 बच्चे थे। क्या? मैगी असलियत में एक इच्छाधारी कीड़ा है जो कि तुम्हारे पेट के अंदर जाकर एक कीड़े का रूप धारण कर लेता है, इसलिए मैंने बनाई है मेरी होममेड मैगी। हाँ, ये 2 घंटे लगा के मेरे लिए सेवैया बना के लाए जो कि तुम्हें मिठास दे। मेरी हर बीमारी ठीक हो जाती थी मैगी खा खा के, लेकिन एक बार मेरे को हुई महामारी चिकन पॉक्स। ये इतनी सारी फुंसी कैसे हो गई मेरे को, बाप रे बाप। हाथ दूर, हाथ दूर, निशान दे जाएंगे। एक बार खुद खुद कर दो, एक बार खुद खुद नहीं, एक बार। और इधर मेरे घर वाले मेरे से कपड़े खुलवा खुलवा के जय माते। और पता है ये महामारी का फैलावड़ा कैसे हुआ था, 2 दिन पहले हमारे पड़ोसी का चोरा हमारे घर पे आया था, उसको सेम बीमारी हो रही थी, लेकिन मेरे घर वाले जय माते इस चोरे को मेरे पलंग पे सुला रहे हैं लोग। कंबल आना यार। हाँ, और कुछ खाना पीना, फैलती है ये बीमारी, लेकिन मेरे घर वालों को इससे कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है, ये लगे हुए अपने। मेरी मम्मी आएगी, खेल खिलौने लाएगी, जल्दी जल्दी सो जा। ये सारे नमूने तुमको सिर्फ हमारे घर में ही मिलेंगे। एक दिन मेरे पापा ऑफिस से जल्दी आ गए, ऐसा उनको लग रहा था। आज खाना मैं बनाऊंगा, मैं जा रहा हूँ सोने। रात की 10 बजे आके तुम ऐसी चीज कैसे बोल सकते हो, वो भी इतने कॉन्फिडेंस के साथ बिना झिझके। हाँ बनाऊंगा मैं खाना। फिर ये आधे घंटे तक किचन में बर्तन बजाते बैठ के, और फिर करेक्ट आधे घंटे बाद बाहर आके बोलते, अच्छा चलो बताओ क्या खाओगे, बोलो बोलो। मैं छत से कूदने जा रहा हूँ। वो रात हम लोगों को 12 बजे खाना नसीब हुआ। अरे उठो उठो यार, खाना बन गया, चलो उठो। अरे चलो जल्दी खा के बताओ कैसा है, खाओ फटाफट। अभी गरम, चलो जल्दी खाओ फटाफट फटाफट। हाँ चबाओ चबाओ चबाओ। ये इसमें हाँ हाँ कैसा है, नमक थोड़ा सा। वाह मत खा, नहीं अच्छा लग रहा। तो ओ, पानी दे दो बस। बस और बुराई मैं नहीं सुन सकता अपने खाने की। 2 घंटे लगे मेरे को इसको बनाने में। मैं हाँ आप बताओ आपको कैसी लगी। मैं मेरा चश्मा नहीं मिल रहा यार सुबह से। इग्नोर कर दिया पापा को। खैर बचपन में ऐसा लगता था कि नंबर वाले चश्मे लगा के तो एकदम कूल एस्थेटिक बन जाऊंगा मैं। तो मैं मुंह के इतना पास में हाथ रख के बोल रहा हूँ, धुंधला धुंधला है ये जग। मैं घर वालों के सामने जाके एक्टिंग कर रहा हूँ। मैं जब भी पढ़ने बैठता हूँ तो मेरे को सब कुछ धुंधला धुंधला दिखता है, और हकीकत में यही मेन रीजन है जिसकी वजह से मैं पिछले 2 साल से फेल होता रहा हूँ सारे सब्जेक्ट में। इधर घर वालों को लग रहा है कि बेचारे छोरे की पढ़ पढ़ के आंखें खराब हो गई। ये इधर नीचे वाला दिख रहा है, नहीं उसके ऊपर वाला थोड़ा, नहीं 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 ये दिख रहा है, नहीं अंधा हो गया भैया आपका छोरा। क्या फिर वो आदमी ऐसे चश्मे दिखा रहा है ना। देखो भैया आपका मुंह थोड़ा सा चपटा है तो आपके ऊपर ऐसा गांधी चश्मा ज्यादा अच्छा जमेगा, लगा लगा। मैं 2 मिनट के लिए सेल्फ डाउट में चला गया यार कि मेरा मुंह चपटा है क्या। फिर फाइनली मैं बन गया कूल एस्थेटिक।
रास्ते चलते लोग मेरे को मुड़ मुड़ के देखने लग गए और इतना ज्यादा मुड़ मुड़ के देखने लग गए ना कि मेरे को ये करना पड़ता था। मुड़ मुड़ के ना देखो दिलबरो दिलबरो। फिर लोग मेरे को पीछे मुड़ के देखते रह गए लेकिन मैंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा जिंदगी में। और फिर मैंने बना ली अपनी चश्मिश गैंग जिसके अंदर थे बहुत ही होनहार लोग जैसे कि मैं। बैठा आ गया शायद। और हाँ हमारे धर्मशाला में आए दिन कलेश होते रहते थे। क्या ये मैंने आज बैंगन की सब्जी बनाने का बोला था ना। हाँ तो क्या इधर में सबके लिए अलग अलग सब्जी बनाने बैठू क्या? और ये ढील डोला कुछ खाता पीता है नहीं, कुरकुरे खाने का बोल दो बस इसको। आज के बाद कुछ नहीं खाऊंगा मैं। ये कुपोषण का शिकार नहीं, कुपोषण इसका शिकार हो गया है बेचारा कुपोषण। अरे यार मेरा दिमाग खराब हो रहा है अब। फोन तो तुम ढूंढना ही मत, वो मेरे पास पड़ा है। नींद के हर बार गिरा डकू हो गई यार, जरा सा कुछ बोल दो तो इनको मिर्ची लग जाती है, एवरेस्ट का तीखा लाल वाली। सही तीखा सही लाल। और ये सबसे पहले तो तुम तुम्हारे नशेड़ी दोस्तों के साथ रहना बंद कर दो, नहीं जरा सा कुछ होगा उसमें फोन फेंक के तोड़ देंगे यार। ये नशेड़ी दोस्तों से सीखना मत यार। नहीं है यार वो नशेड़ी। फोन करके समझाना पड़ेगा तुम्हारे दोस्तों को। आप जिस नंबर से संपर्क करना चाहते हैं वह अभी स्विच्ड ऑफ है, कृपया कुछ समय पश्चात प्रयास करें। स्क्रैच आ गया हल्का सा। और तूने कैच क्यों नहीं किया? हाँ? अरे हो गया, हो गया। ये वन टेक आर्टिस्ट नहीं, ये वन टेक आर्टिस्ट जीरो जीरो टेक।